अलकुम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्ग्रेंसिस कॉन्ग्रेंसिस के बारे में कॉन्ग्रेंसिस क्या होता है तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं इसकी डेफिनेशन है लेट एम बी अ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजियर क्योंकि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है देन एन इंटीजर इज सेट टू बी कॉन्ग्रेंट टू एन इंटीजर बी मॉड्यूल एम ठीक है इंटीजर ए इज़ सेट टू बी कॉन्ग्रेंट टू एन इंटीजर बी मॉड्यूल एम इफ़ एम डिवाइड्स ए माइनस बी अगर एम डिवाइड करता है ए माइनस बी को तो हम कहेंगे कि जो ए है वो कॉन्ग्रेंट है इन टीजर बी मोड्यूल एम ठीक है इफ़ ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड्यूल एम वो राइट ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड्यूल एम हम इसको ऐसे लिखते हैं ठीक है और इसको हम कैसे पढ़ेंगे ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी modulo एम ठीक है और यहाँ पे क्या होता है इसको हम कैसे लिखते हैं एम divides ए माइनस बी ठीक है ना इसको हम ऐसे लिखेंगे एम divides ए माइनस बी ये है कॉन्ग्रेंस की डेफिनेशन इसको हम पढ़ते हैं ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी modulo एम वेयर एम divides ए माइनस बी ओके इफ द डिफरेंस ए माइनस बी इज़ नॉट डिविजिबल बाई एम अगर ये ए माइनस बी एम से डिविजिबल नहीं है देन ए इज़ सेट टू बी इनकॉन्ग्रेंट टू बी मोड्यूल एम एंड वी राइट तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ए इज़ इनकॉन्ग्रेंट टू बी मोड्यूल एम ओके ये डेफिनेशन डेफिनेशन हो गई कॉन्ग्रेंट की एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका क्या मतलब है हमने एक टर्म ली है ये हमारे पास ए है ये बी है और ये एम है ठीक है इसको हम कह लेते हैं ए बी एंड एम देखें हम इसमें कॉन्ग्रेस की डेफिनेशन अप्लाई करें इसको हम ऐसे लिखते हैं ना एम डिवाइड्स ए माइनस वी तो हमने क्या लिखा फाइव डिवाइड सेवनटीन माइनस टू देखिए क्या आ रहा है फिफ्टीन तो आप देखें फाइव फिफ्टीन को डिवाइड करता है तो ये डेफिनेशन फुलफिल हो गई देखें यहाँ पे डिविजिबिलिटी की ही डेफिनेशन यूज़ हुई है ऐसा हम कह सकते हैं कि ये कांग्रेस जो है डिविजिबिलिटी की कोई एक मॉडिफाइड फॉर्म है तो ये कंडीशन सेटिसफाई हो रही है एफ एफ फाइव डिवाइड फिफ्टीन लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि सेवन इज कॉन्ग्रियस टू वन मोड्यूल फ़ाइव मीन्स कि यहाँ पे जो बी टू था ना यहाँ पे वन नहीं होगा क्यों नहीं होगा हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन हमने की एम डिवाइड ए माइनस बी हमने लिखा फाइव डिवाइड सेवनटीन माइनस वन ये क्या आता है सिक्सटीन तो फाइव सिक्सटीन को डिवाइड नहीं करता इसीलिए हम कहेंगे सेवनटीन इज़ इन टू वन मोड्यूल एम ओके बुक में हम ये करते हैं चैप्टर नंबर थ्री हमने स्टार्ट किया है कॉन्ग्रेंस का इसकी डेफिनेशन किया अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है कॉन्ग्रेंस के बारे में वो हम डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ सिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं हमें दिया गया है ए बी सी ओ डी कोई भी टीचर था ठीक है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू ए मोड्यूल एम ठीक है ना ए जो है वो ए का ही कॉन्ग्रेंट है मोड्यूल एम अब इसका अगर हम प्रूफ देखें एक ही लाइन का इसका एक छोटा सा प्रूफ है आप देखें अगर हम यहाँ पे लिखा है एम इज कॉन्ग्रेंट ए इज कॉन्ग्रेंट टू ए मोड्यूल एम हम इसकी डेफिनेशन अप्लाई करें तो हम कैसे लिख सकते हैं एम डिवाइड्स ए माइनस ए वो होता है ना एम डिवाइड्स ए माइनस बी तो यहाँ पे बी की जगह भी ए है तो हम कह सकते हैं एम डिवाइड्स ए माइनस ए और ए माइनस ए क्या होता है ज़ीरो होता है तो हम कह सकते हैं एम डिवाइड जीरो यस तो ये वही डेफिनेट इसका प्रूफ ये हो गया एम डिवाइड ए माइनस ए ठीक है और वेयर एम डिवाइड ज़ीरो तो ये तो इसका प्रूफ छोटा था ये प्रूफ हो गया इसी तरह इसकी एक और प्रॉपर्टीज है इफ़ ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड्यूल एम देन बी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ए मॉड्यूल एम ठीक है ना अगर ए जो है वो कॉन्ग्रेंट है बी के तो मोड्यूल एम तो हम कह देंगे बी भी ए के कॉन्ग्रेंट है बी मोड्यूल एम तो यहाँ पे दिया गया फर्स्ट पेज हमने डेफिनेशन अप्लाई की एम डिवाइड्स ए माइनस बी लिख सकते थे ठीक है देन एम डिवाइड्स बी माइनस से ये इक्वल है जब हमने यहाँ से क्या ले लिया माइनस कॉमन लिया ये ठीक है ना जब हमने माइनस कॉमन लिया तो हमने इसको लिख दिया A B. ए माइनस बी देखिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कहा गया है कि एम डिवाइड्स ए माइनस बी तो अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लें माइनस तो हम कह सकते हैं बी माइनस ए ठीक है ना तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम डिवाइड्स बी माइनस ए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ये अगर हम इस पर कॉन्ग्रेंस की डेफिनेशन अप्लाई करें तो हम कह देंगे बी इज कॉन्ग्रेंट टू एम मोड एम तो ये फुलफिल हो गई इफ़ ए इज़ कॉग्रेंट टू बी मॉड्यूल एम तो हमने कह दिया कि बी इज कॉन्ग्रेंट टू ए मॉड्यूल एम ये भी हमारी डेफिनेशन हो गई है ए, हमारी प्रॉपर्टी हो गई है अब ये थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इफ़ ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड्यूल एम एंड बी इज़ कॉन्ग्रेंस टू सी मॉड्यूल एम देन ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू सी मोड्यूल एम अब देखें इसका प्रूफ देखते हैं क्या है ये देखिए हमें ये दो दी हुई है ठीक है इसमें से जब हमने कॉन्फिडेंस गौ, की डेफिनेशन अप्लाई की तो हम कह सकते हैं एम डिवाइड्स ए माइनस वी और इसको हम दे के कह सकते हैं एम डिवाइड्स बी माइनस सी अब एम इसको भी डिवाइड करा है इसको भी डिवाइड करा है तो हम कह सकते हैं एम डिवाइड्स ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी ये कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया एम डिवाइड्स ए माइनस सी तो इसको हम लिख सकते हैं ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू सी मोड्यूल एम जो कि प्रूफ हो गया हमने यही प्रूफ करना तो ठीक है अब इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी है इफ़ ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मोड्यूल एम एंड सी इज कॉन्ग्रेंट टू डी मोड्यूल एम दैन ए प्लस माइनस सी इज कॉन्ग्रेंट टू बी प्लस माइनस डी मीन्स के अगर ए बी ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मोड्यूल एम है और ये इसकी इक्वल है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मतलब जो नंबर फोर है हम इसको ऐसे कह सकते हैं ए प्लस सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी प्लस डी मोड्यूल एम या फिर फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं ए माइनस सी इज कॉन्ग्रेंट टू बी माइनस डी मोड्यूल एम ठीक है ना तो इसलिए हमने इनको ऐसे लिख दिया ए प्लस माइनस सी इस कॉन्ग्रेंट टू बी प्लस माइनस सी मॉड्यूल एम हमने ये प्रूफ करना है तो देखें पहले हम इस पर मॉड्यूल मॉडल कॉन्ग्रेंस की डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे और इस पर भी अप्लाई की तो हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई एम डिवाइड्स ए माइनस बी एंड एम डिवाइड सी माइनस बी अब इसी तरह हमने इन दोनों को या तो प्लस करेंगे ऐड करेंगे वो चीज़ आ गई और हम यहाँ से कह सकते हैं ए को इसके साथ प्लस माइनस कर दिया माइनस बी को हमने इसके साथ कर दिया ठीक है ना हमने कर दिया हमारे पास आई थी चीज़ एम डिवाइड्स ए माइनस बी आया था एम डिवाइड सी माइनस डी ये हमें गिवन है ठीक है हमने क्या किया एम डिवाइड्स ए माइनस बी प्लस माइनस या तो प्लस होगा माइनस भी होगा हमने इकट्ठा कर दिया है सी माइनस डी अब इस, इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं ए प्लस माइनस सी और माइनस कॉमन लिया बी प्लस माइनस डी बी प्लस माइनस डी मीन्स ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया है m डिवाइड ए प्लस माइनस सी माइनस बी प्लस माइनस डी और इसको हम कैसे लिख सकते हैं ये किसके इक्वल है की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए प्लस माइनस सी इज कॉन्ग्रेंट टू b प्लस माइनस डी मोड्यूल एम जो कि हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी भी फुलफ़िल हो गई है इसी तरह फिफ्थ प्रॉपर्टी है इफ़ ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मोड्यूल m देन ए सी इज कॉन्ग्रेन टू बी सी मोड्यूल एम ठीक है ये इस प्रॉपर्टी को हम आगे जाकर ना थोड़ा डिटेल से करेंगे तो मैं आपको वहीं पे ही इसका प्रूफ कराती हूँ और सिक्स प्रॉपर्टी क्या दी गई है इफ़ ए इज कॉन्ग्रेन टू बी मोड्यूल एम देन ए के इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी के मॉड्यूल एम ठीक है कहा गया कि अगर इसके पावर वन है ये इसके कॉन्ग्रेंट है तो कहा गया कि ए और बी की जो वन से ज़्यादा पावर आ जाए टू आ जाए थ्री आ जाए जो भी आ जाए तो उसके लिए भी यही कंडीशन सेटिस्फाई होगी ठीक है बट इफ़ ए के इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी के मोड्यूल एम फोर के इज़ ग्रेटर एन इक्वल टू टू दैन ए इस ट्रू बी मॉड्यूल एम में नॉट बी ट्रू मीन्स के ये चीज़ तो हमने कह दिया कि ए जो है ये कांग्रेन है बी मोड एम ठीक है और जब हम यहाँ पे एक जर्नल ले लें ए की पावर के और बी की पावर के मॉड्यूल एम तो ये भी ट्रू होगा कब ट्रू होगा जब इसकी पावर टू होगी मींस ऐसे लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा ये कंडीशन हमारे पास ट्रू आए कभी आ, कभी ट्रू आ सकती है लेकिन कभी कुछ केसेस होते हैं जब हमारे पास ये कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती ठीक है ओके जैसे उसी हम फिल्म को देखते हैं अगर हमने ये उसके एग्जांपल है ए हमने फोर सपोज कर लिया बी हमने एट ले लिया और जो एम है मॉड्यूल वो हमने थ्री ले लिया तो देखें ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी मोड्यूल एम हमने आपने इनकी वैल्यूज फुट की यहाँ से हमारे पास क्या आएगा थ्री डिवाइड्स ए माइनस बी मीन्स फोर माइनस एट और ये क्या बनता है थ्री डिवाइड्स माइनस फोर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है थ्री डजन डिवाइड्स फोर ठीक है ना तो इसका मतलब है ये यहाँ पे इस केस में ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई नहीं है लेकिन यही हम टर्म्स लें और यही हम कंडीशन लगाए बस यहाँ पे हम स्केर ले लें इसका हमने इसका स्केल ले लिया ठीक है अब हमने वैल्यूज पुट की, A की 4, ए A की पावर फोर ए की वैल्यू है फोर बी की वैल्यू है एट और मॉड्यूल एम क्या है, हमारे पास थ्री तो फोर ए सिक्सटीन आ गया ये आ गया सिक्सटी फोर और ये आ गया मोड थ्री अब देखिए अब हमने जब डेफिनेशन अप्लाई किया हम क्या करेंगे थ्री डिवाइड्स ए माइनस बी ना सिक्सटीन माइनस सिक्सटी फोर जो कि किसके इक्वल आता है थ्री डिवाइड्स फोर्टी एट और ये थ्री फोर्टी एट को डिवाइड करता है सिक्सटीन पे ठीक है तो इस केस में तो यही वैल्यूज़ हमने ली और इस केस में ये ट्रू हो गया लेकिन इस केस में ये ट्रू नहीं था तो ये वही है कि ए की पावर हम यहाँ पे अगर जर्नल ले लें ए के तो ये पॉसिबिलिटी है कि कभी ये ट्रू होगा और कभी ये ट्रू नहीं होगा ठीक है ये जो हमारे पास केस है इसकी जो सिक्स प्रॉपर्टी है यहाँ पे, तो ये आपने कल इससे मैंने को एग्ज़म्पल भी करा दिया